हिस्टोरिकल चैनल पर आज हम आपको लेकर आए हैं पंचप्रयाग में से एक देवप्रयाग। सनातन धर्म में देवप्रयाग की बड़ी मान्यता है। यहाँ के बारे में विस्तार से जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी कनिष्का कुशवाहा के साथ। देवप्रयाग गढ़वाल हिमालय के सबसे खूबसूरत इलाके में स्थित पौराणिक और धार्मिक नगर है। उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित देवप्रयाग की सनातन धर्म में बड़ी मान्यता है। पंच प्रयाग में से एक देवप्रयाग वह स्थान है जहां अलकनंदा नदी का भागीरथी से संगम होता है। इस संगम के आगे संयुक्त नदी ही गंगा कहलाती है। धार्मिक दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। तीर्थराज प्रयाग की भांति ही यहां संगम पर स्नान करने के लिए हिंदू तीर्थयात्री भारत के कोने कोने से आते हैं। गढ़वाल क्षेत्र की मान्यताओं के अनुसार भागीरथी नदी को सास तथा अलकनंदा नदी को बहु कहा जाता है। देवप्रयाग प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है और यहाँ का सौंदर्य देखने लायक है। समुद्र तल से 1500 फीट यानी लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ कौवे दिखाई नहीं देते, जो अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। मान्यता है कि जब राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतरने के लिए राजी कर लिया तो 33 करोड़ देवी देवता भी माँ गंगा के साथ स्वर्ग से उतरे थे। तब उन्होंने अपना आवास देवप्रयाग में बनाया था। देवप्रयाग को माँ गंगा की जन्मभूमि माना जाता है। भारत में अधिकांश लोगों की अवधारणा है कि माँ गंगा की उत्पत्ति गंगोत्री धाम से हुई है। वही धार्मिक ग्रंथों में माँ गंगा का उद्गम स्थल देवप्रयाग को माना गया है। गंगोत्री से आने वाली भागीरथी और बद्रीनाथ धाम से आने वाली अलकनंदा नदी का देवप्रयाग में एक दूसरे में समागम होता है। यहीं से संयुक्त नदी की धारा को पवित्र गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में संगम तट पर स्नान करने का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। दोनों नदियों के संगम पर चट्टान के द्वारा दो पवित्र धाराओं के कुंड का निर्माण होता है। भागीरथी नदी की धारा पर बने कुंड को ब्रह्मकुंड और अलकनंदा की धारा पर बने कुंड को वशिष्ठ कुंड के रूप में जाना जाता है। संगम पर ही हनुमान गुफा, माँ गंगा की प्रतिमा, बैताल कुंड और सूर्य कुंड समेत कई धार्मिक स्थल हैं। यहीं पर स्थित है प्राचीन रघुनाथ जी का मंदिर, जिनकी सनातन धर्म में अगाध आस्था है। देवप्रयाग आदिकाल से सनातन संस्कृति का प्रमुख तीर्थ स्थान रहा है। इसके अलावा यह स्थान इतना सुंदर है कि भारत ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों का मन भी मोह लेता है। भारत में फिल्म उद्योग से जुड़े कुछ निर्माता अक्सर यहां सुंदर दृश्यों की शूटिंग करने आते हैं। हम भी जब देवप्रयाग पहुंचे तो यहां कन्नड़ फिल्म निर्माता विनोद वी धोंडाले अपनी फिल्म अशोका ब्लेड की शूटिंग कर रहे थे। मान्यता है कि भगवान राम और उनके पिता राजा दशरथ ने इसी स्थान पर तपस्या की थी। यहाँ स्थित रघुनाथ जी का मंदिर करीब 10,000 वर्ष पुराना बताया जाता है। देवप्रयाग का उल्लेख केदारखंड के अलावा कई धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। संगम से ऊपर पुराने पत्थरों से बना है रघुनाथ जी का मंदिर। मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है। ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित मंदिर के शीर्ष पर अनियमित पिरामिड के रूप में गुंबद है। वर्ष 1803 में आए भूकंप के कारण नगर के अन्य भवनों के साथ साथ मंदिर को भी काफी नुकसान हुआ था। तब मंदिर की मरम्मत आदि का कार्य दौलतराव सिंधिया जी ने कराया था। देवप्रयाग के पास ही दशरथांचल नाम की एक पहाड़ी भी है, जिसमें एक चट्टान को दशरथ शिला कहा जाता है। मान्यता है कि उस शिला पर राजा दशरथ ने ध्यान एवं तप किया था। इस पहाड़ी से एक धारा भी बहती है जिसका नाम राजा दशरथ की पुत्री के नाम पर शांता है। केदारखंड में रामचंद्र जी का सीता और लक्ष्मण संग देवप्रयाग पधारने का वर्णन मिलता है। शायद यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु रघुनाथ जी के मंदिर के दर्शन करने देवप्रयाग आते हैं। यह नगर ऋषिकेश से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आने के लिए आप निजी या सार्वजनिक वाहन का प्रयोग कर सकते हैं।
रास्ते के दोनों तरफ सुंदर नजारे आपकी यात्रा को एक सुखद आनंद देते हैं। माँ भगीरथी और देवी अलकनंदा के संगम देवप्रयाग में आज बस इतना ही। आशा करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। हम आपके लिए आगे भी इसी तरह की वीडियोस लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।